हेलो एवरीवन। देखिए, वनडे जितने भी एग्जामिनेशन है जिसमें भी रीजनिंग आती है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स एक चैप्टर है जिससे क्वेश्चन जरूर आते हैं ज्यादातर सभी एग्जाम्स में। किस तरीके से हम बहुत जल्दी से सेकंड्स में आंसर उनका कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें टिक्स अप्रोच सही पता है तो हम बहुत जल्दी उनका आंसर कर देंगे, नहीं पता तो गिनते ही रह जाएंगे, उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं आंसर सही है या नहीं है। तो मैं आज आपको 5 सवाल ऐसे बताने वाली हूँ जिनको देखते ही आंसर किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको मेथड्स और अप्रोच सही पता है तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। आपके सामने सवाल है, नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये दे रखा है और इसमें क्या पूछा गया है, त्रिभुजों की संख्या। देखिए, अगर आप देखोगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, और अगर आप इसको समझते हो इस वाले पॉइंट को तो आपको बहुत ईजी लगेगा। मैं आपको एक बात समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, जब भी कभी त्रिभुज गिनने हो तो इनमें हमेशा नंबरिंग करिए, इनको आपस में ऐड कर दीजिए। 3, 2, 5 और 1, 6। इसमें 6 है, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूंगी इसमें नंबरिंग करूंगी तो ये कितने हो गए, 4 और 3, 7 और 2, 9 और 1, 10। इसमें है 10 ही, इसमें है 1, 2, 3, 4 और 10 ही इसमें है, तो 30 तो ये हो ही गए, ठीक है ना। और एक ये वाला, 30 के अलावा एक ये वाला, ठीक है ना, 31। और एक कंप्लीट वाला हमें ये जो दिख रहा है वो पूरा, तो टोटल मिला के इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको ये तरीका पता है तो आपका हो जाएगा, तरीका नहीं पता तो ये बहुत लंबा होने वाला है और हो सकता है आपका ये एक बिल्कुल इतने आसपास ऑप्शन है ये गलत भी हो जाए। तो आपने देखा 10, 20, 30, एक ये और एक ये कंप्लीट वाला, बस ऐसे हो जाते हैं ये सवाल। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें भी त्रिभुज बताने हैं। और देखिए, इसमें तो हमें बहुत साफ साफ दिख रहा है, 1, 2 और 4 तरफ है ऐसे, तो 8 तो यही हो गए, ठीक है ना। और अगर मैं देखूंगी ये वाली जो लाइन जा रही है तो एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, 4 और बन रहे हैं, तो 8 और 4 टोटल मिला के इसमें कितने हो गए, 12। बस ये तो सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगला देखते हैं, इसमें पूछा गया है आयतों की संख्या। देखिए, आयतों की संख्या, इसमें हम एक चीज समझते हैं, जब भी कभी आपको स्क्वायर्स के अंदर आयत दे दिया जाए, आप इसमें क्या करिए, इधर से पूरे जितनी भी कॉलम है इनको आपस में ऐड कर दो, ये 10 हो रहे हैं। इनको जितनी भी रोज है इनको भी आपस में ऐड कर दो, 10 हो रहे हैं। और इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। 100 इसमें वो भी गिने गए हैं, 100 आयत आ रहे हैं, लेकिन इनमें वो भी है जो स्क्वायर्स हम कहते हैं ना, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, यानी कि सभी जो वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं, इन 100 में वर्ग भी गिने गए हैं। अच्छा, हम वर्ग कैसे गिनते हैं, अगर देखा जाए तो वर्ग गिने जाते हैं कि इनमें जितने भी रोज और कॉलम है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 रो है, 4 कॉलम है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 4 गुणा 4, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 और 1 गुणा 1, 16, 9, 25 और 25 और 5 ये हो गए 30। तो इसमें 30 वर्ग निकाल दीजिए तो बचेंगे 70 केवल जो आयत होंगे। अब जब केवल आया 70 इतने में ही है तो हमें पता है इनमें तो और भी होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शंस बस 40 से अधिक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो समझ में आया कि इस तरीके से जब भी हमें दे रखा है तो जितने भी रोज जितने भी कॉलम्स हो उनको आपस में ऐड कर दीजिए, और उनके प्रोडक्ट का यानी कि जो भी टोटल आ रहा है उनका आपस में मल्टीप्लाई करके आपको टोटल आयत मिलेंगे जिसमें वर्ग भी शामिल होंगे। अगर उसमें से केवल वर्ग को निकाल दिया जाए, जितनी रोज और कॉलम है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो, उनको निकाल दो, तो ये केवल आयात बचेगा, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका 40 से अधिक। आते हैं फोर्थ पे, और इसमें हमें पूछा गया दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब वर्ग को अगर आप देखोगे तो देखिए वर्ग में क्या होता है, अगर आप इस तरीके से एक वर्ग देखोगे, अभी पिछला हमने देखा जितने रोज और जितने कॉलम्स होते हैं, यानी कि 2 कॉलम है और 2 ही रो है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 गुणा 2, वहां तक मल्टीप्लाई करिए जहां तक कि 0 ना हो जाए। अगला तो वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 दूनी 4 1, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, अगर मैं इनमें देखूंगी तो 5 तो यही हो गए, 1, 2, ये 4 और 1, 5, यानी 1, 2, 3, 4 और 1 पूरा 5। अच्छा, 4 ये आपको दिख रहे होंगे आपस में ऐड करके, तो जब 4 ये हो गए और इन चारों को जैसे देखो, ये 4 अलग अलग ऐड करके पूरा बना था, ऐसे ही ये चारों ऐड करके पूरा बन गया है, तो ये दोनों हो गए 5 दूनी 10, बस सिंपल हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, आप देख रहे होगे कैसे सेकंड्स में आंसर हो रहे हैं इसके। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको बताया कि त्रिभुज में जब ये लाइंस बीच से जाती हैं तब ये जितने भी होंगे इनको आपस में ऐड कर दीजिए, 3, 2, 5 और 1, 6, तो इसमें 6 है। अगर मान लीजिए इसमें आपको ये 3 है, 1, 2 और 1 आपस में ऐड हो गए, अगर मैं इसके बीच में लाइन कर दूंगी तो सेम ये ऊपर वाला भी तो ऐसे निकल आया, और एक ये पूरा, तो जितने भी कॉलम्स में बटता है उसका डबल कर दिया जाता है,
जैसे कि अगर इसमें कितने हैं, छह है ना, अगर मैंने ये कर दिया तो ये 6 दूनी 12। अब यहाँ पे एक बात देखिए, इन लाइन्स को इग्नोर करिए, पहले ये पूरे में हम देख लेते हैं, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, अगर ये टोटल होंगे तो ये 10 हो गए। अच्छा, अगर मैं इतने की बात करूं केवल, देखिए पूरा पूरे वाले तो ये 10 हो ही गए, अब केवल मैं इतने की बात करूं तो इसमें कितने हैं, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 इसमें हो जाएगा। और मैं अगर आपको यहाँ पे रिमूव करके दिखाऊं ये, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, ये किसमें हो गए, 6 इस वाले में हो गए, और एक ये 2 और 1 3, 3 इस वाले में हो गए, 3 इसमें, 6 इसमें और 10 इसमें, कितने हो गए, 19। आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए। बस इस तरीके से हम काउंटिंग कर लेते हैं और बहुत ही सेकंड्स में, बहुत ही जल्दी इनको हम कर सकते हैं अगर हमें सही अप्रोच पता हो। रेलवे के एग्जाम्स बहुत करीब है, रेलवे वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपको काउंटिंग ऑफ फिगर्स उसमें आना ही आना है। बाकी जितने भी एग्जाम्स है वन डे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और इसी तरीके के और टिप्स और ट्रिक्स वीडियोस के लिए, आपने अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, आगे शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।